दोस्तों नमस्कार, हम अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे कि बहुत सारी बाइक इस समय क्या हुआ कि बहुत सारी बाइक खड़ी रहीं, जैसे साल भर 6 महीने 8 महीने खड़ी रहती हैं, तो उसमें देखिए ऐसे कार्बन जम जाते हैं और कार्बन जहाँ जहाँ हमारा हाथ पहुँचता है वहाँ तो हम आराम से साफ़ कर लेते हैं, पर क्या होता है बहुत सारी जगह हमारे हाथ नहीं पहुँचते और फिर उसको कैसे साफ़ किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए इसके लिए क्या हुआ कि हमने अपनी दुकान पर भी जब हम काम कराते हैं या दूसरे के पास भी भेजते हैं बाइक, कभी कभी ज़्यादा होती हैं, तो क्या होता है कि उसको जिस तरीके से यानी कार्बोरेटर साफ़ होना चाहिए, बाइक चाहे जितनी पुरानी हो कार्बोरेटर अगर गंदा है तो वो काफ़ी दिन खड़ी रहती तब प्रॉब्लम आती है, और जब अच्छे साफ़ हो जाता है तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम सही हो जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है जो जैसे ये कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर के अंदर बहुत सारा पीला पीला जो जमा हुआ है वो निकलना मुश्किल पड़ता है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था पर उसको हमने एसिड डाल करके साफ़ करना बताया था, और आज हम बताएंगे इसको यानी जो भी डिटर्जेंट होता है उसको डाल करके और उसको रख दिया जाता है, फिर इसको किस तरीके साफ़ करना होता है वो हम बताते हैं। और कार्बोरेटर जब साफ़ हो जाता है तो बाइक जैसे दबती है चलने में झटके लेती है जब कार्बोरेटर गंदा होता तब, लेकिन जब बिल्कुल क्लीन होता है तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाती है। इसके लिए हमने मैकेनिक भाई के पास भेजा कि भैया इसको प्रॉब्लम सही होना है, और हमने दूसरे के पास जा करके देखा ये प्रॉब्लम। दोस्तों देखिए, अब हमने कार्बोरेटर को इसको हमने फुला के धर दिया था और अब हम इसको साफ़ करते हैं। ठीक है, यानी हमने डिटर्जेंट ही डाला था और कुछ नहीं, और इसको साफ़ करने के लिए जैसे पहले देखा था आपने बहुत सारे चीज़ उसी तरीके से अब दिखाते हैं। जैसे उसमें जैसे ये यहाँ पर देखिए सब इसका जो जो इसका जमा हुआ था, इसलिए पहले क्या हुआ था इसके पहले हमने जो दोस्तों वीडियो बनाया था उसको हमने पानी में एसिड डाला था, एसिड डाल करके उबाला था, उबाल करके तब साफ़ किया था। ठीक, और मेरे दोस्त जो ये कार्बोरेटर है इसको साफ़ करने के लिए जैसे मेरे दोस्त सिर्फ क्या करना है बस इसको ऐसे ही रगड़ के साफ़ करना, ठीक, और कहीं कुछ भी नहीं करना। इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाया था उसमें हमने एसिड डाल कर बनाया था, लेकिन अब देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से क्लीन हो गया है अंदर भी, यानी इसका जो कार्बन कचरा था वो जहाँ जहाँ यानी ब्रश जा रहा बिल्कुल अच्छे साफ़ हो गया। ठीक, अब जैसे मेरे दोस्त देखिए इसमें जो यहाँ यहाँ जितना हम लोग वैसे पेट्रोल से साफ़ हुआ था, लेकिन अब ऐसे जो इसके जमा था ऐसे यहाँ पर ये जो पीला जमा हुआ, ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। ठीक, अब ये जो पीलापन था साफ़ हो गया बिल्कुल। सबसे ज़रूरी पॉइंट जो होता है मेरे दोस्त यहाँ पर होता है, जो ये पीला जमा हुआ था बहुत सारा हमने दिखाया था, इसलिए देखिए अब ये इसको यानी हमने भी ब्रश नहीं लगाया और इसको रखने से ही ये पीलापन इसका कम हो गया। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे साफ हो रहा। ठीक है, और यही जो कार्बन होता है यही कार्बन के कारण गाड़ी में दिक्कत होती है बाइक में चलाने में कि झटके ले चलेती है, और सिलो में झटके लेगी तेज़ चलाने में सही चलेगी। इसके लिए हम बहुत परेशान हुए थे दुकान पर अपने, और हमने क्योंकि मिस्त्री भाई दूसरे थे हमारी दुकान पर, ये गाड़ी टाइम नहीं लिया था, हमने दूसरे भाई को दिया था, उनको बताया था साफ़ कर देना, उन्होंने साफ़ भी किया था, एक दो बार साफ़ किया लेकिन साफ़ नहीं हुआ। पर क्या हुआ तो उसके कारण हमको फिर अपने हाथ से दुकान पर खोला और उसको हमने चाहा कि भाई इसको हम पेट्रोल से साफ़ करें, पेट्रोल से साफ़ नहीं हुआ, और हमने पेट्रोल से नहीं साफ़ हुआ ना ही पानी से साफ़ हुआ, और हमने इसको या तो सैनिटाइज़र से साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप सर्फ एक्सल डाल दें। जैसे मेरे दोस्त जैसे कोरोना वायरस भागता है साबुन सरफ से और सैनिटाइज़र से, उसी तरीके पेट्रोल से और कैरोसिन से डीजल से नहीं भागता, और जैसे हमने साबुन सरफ लगाया वैसे सरफ। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर कितना सारा पीला जमा था, ठीक यहाँ पर है, और इसको हमको इसमें डालने से सब फूल गया और ये अच्छे से साफ़ हो गया। हम आपको साफ़ करके दिखाते हैं। देखिए मेरे दोस्त अब ये लगभग मैं हर जगह से हमने ब्रश लगा दिया और साफ़ हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर ब्रश वाला हमें चाहिए,
उसको हम लगाएंगे। बाकी जहाँ जहाँ पर ये ब्रश जाता रहा वहाँ वहाँ हमने इस तरीके साफ़ कर लिया, ठीक, और अच्छे साफ़ हो गया। और साफ़ अगर हम ऊपर भले ना साफ़ हो, लेकिन जो यहाँ पर पीला पीला जमा होता है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से यानी बाइक में प्रॉब्लम होती है, ठीक मेरे दोस्त। इसमें मेरे दोस्त देखिए, जो विशेष करके साफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो साफ़ करने के लिए ये जो होल होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये होल, ये जितने भी होल होते हैं, ठीक। और होल के साथ साथ बहुत सारे भाई लोग सिर्फ ये होल साफ़ करते हैं, ठीक है, ये होल तो आराम से साफ़ हो जाता है, ठीक है, पर हमको आपको ये होल साफ़ करने से, एक बार साफ़ हो गया ठीक, पर इसमें क्या होता है जैसे कि इसके जो चारों ओर कार्बन कचरा जमा होता है मेरे दोस्त, देखिए इसके अंदर वो जो कार्बन कचरा होता है ये साफ करना ज़रूरी होता है, इसके अंदर अंदर, इसके अंदर जैसे ऐसे ऐसे साफ करेंगे तो ये जो इसके अंदर जब सूखा सूखा रहता है तो निकलता बहुत सारा, ठीक है, तब आपको समझ में आता है, ठीक। तो यहाँ पर जो ये कार्बन कचरा तो यानी इसके साइड में जो लगा होता वही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, वही ज़्यादा दिक्कत। देखिए अब यह क्या है, इसमें जैसे ये जो जमा हुआ है, ठीक, अब देखिए ये साफ़ हो रहा है ना मेरे दोस्त, देखिए यानी जो जमा हुआ था यहाँ पर, देखिए ये, हाँ वैसे वैसे हम चाहे जितना कोशिश करें नहीं साफ़ होता, पर जब मेरे दोस्त इसके साथ हमने फुलाया यानी डिटर्जेंट के साथ, तो ये अच्छे से चमक जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और जो आप हमने आपको साफ़ करने की विधि बताया, जिसको ज़रूर इस तरीके से साफ़ करेंगे तो जो गाड़ी दबती है स्लो में वो दबना बिल्कुल 100% सही हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और ऐसे नहीं सही होगा, पर क्या होगा कि इसको जैसे चारों ओर से इस तरह वैसे लगाया, यहाँ ऐसे ऐसे साफ़ कर लिया, इसके चारों ओर साफ़ हो गया इधर, और इसी तरीके इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल करके इसको अच्छे से चला दिया तो खूब बढ़िया से साफ़ हो गया, ठीक। बस इसमें इतनी बहुत ज़रूरी जो मेन बात थी वो, और देखिए मेरे दोस्त ये कितना अच्छे से पीला पीला चमक गया, ठीक है। मेरे दोस्त जैसे ये सिलो जेड है, इसको भी इसी तरीके साफ़ करना है दोनों साइड से अंदर वायर डाल करके, ठीक। तो इससे क्या है कि जितने इसके साइड में कार्बन कचरा होगा वो बहुत ज़रूरी साफ़ करना है। इस पर हम बहुत परेशान हुए थे, तभी हमने इस बात को बार बार कहना चाहा, और उसके बाद फिर जैसे ये जो छोटे छोटे होल होते हैं चारों ओर, ये बढ़िया साफ़ करना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, अब हमने इसको पानी से साफ़ कर दिया है, और देखिए जो इसका पीलापन था वो सब बिल्कुल बढ़िया अच्छे से साफ़ हो गया है, ठीक है। उसके साथ साथ इधर देख लीजिए, इधर ये भी बिल्कुल यानी अंदर तक बिल्कुल क्लीन हो गया है, हाँ ये, और इधर भी बिल्कुल जो गंदा गंदा था सब कुछ यानी साफ़ हो गया। और विशेष करके जो इसमें हमने ज़रूरी समझा था वो आपको यही बताया था कि इसके जो अंदर अंदर साइड जमा होता है उसके कारण विशेष प्रॉब्लम होती है, और सिलो जेड में भी जो इसके अंदर साइड जैसे कई तार आप अंदर डालें इधर उधर से और तब साफ़ करें तब बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन साफ़ होता है, तब वो प्रॉब्लम सही होती है जिसके कारण बाइक झटके लेती है, मिसिंग करती है, वो प्रॉब्लम, ठीक मेरे दोस्त। तो जो मेरे पास नया जो भी जानकारी थी मेरे दोस्त, जिस तरीके से हमने बाइक में प्रॉब्लम इस समय सॉल्व किया, बहुत सारी बाइक लॉकडाउन के समय में खड़ी रहीं, जो लोग गाड़ी साधन चले नहीं उन गाड़ियों को साल दो साल से खड़े उन सब बाइक में इसी तरीके हमने कार्बोरेटर साफ़ किया और चलाया, तो उस तरीके से बढ़िया अच्छे साफ हुआ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसीलिए हमने चाहा कि आप सभी लोगों को भी ये जानकारी दें मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।